कीवर्ड वर्ड रिसर्च अब आप ऐप स्टोर के ऊपर कर लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नेक्स्ट है वो बेसिकली आपका ऐप का टाइटल है तो कीवर्ड सर्च बेसिकली आप अपने लिए करते हैं लेकिन अगर आप एस ओ की बात करें एस ओ के फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि टाइटल का नाम क्या है मतलब ऐप का नाम क्या है उसका टाइटल क्या है उस टाइटल में कौन से की आ रहे हैं तो so, आप कोशिश ये करते हैं कि आप पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं जहाँ जहाँ से आपको सजेशन मिले आप उन सजेशन को ले रख लेते हैं और कुछ टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आप सर्च कर सकते हैं लेकिन ऐप स्टोर के ऊपर यानी कि मोबाइल कीवर्ड्स uh, के ऊपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन आगे चल के मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा जिसमें आपको कीवर्ड सर्च की हेल्प भी मिलेगी लेकिन देन आपको कंपेटिव एनालिसिस में भी हेल्प मिलेगी मोस्टली ये टूल्स पेड होते हैं फ्री वर्जन भी इनके अवेलेबल होते हैं आपने ये देखना कि आपके लिए कौन सा सूट करता है अगर जो जो फ्री है उसमें आप साइन अप करते जाएँ उनको यूज़ करते जाएँ अल्टीमेटली आपको अपने टूल्स समझ आ जाएंगे कौन कौन से यूज़ करने हैं अल्टीमेटली जब आप कीवर्ड वर्ड कर लेंगे चाहे वो टूल से करें या पिछली टॉपिक में जो मैंने आपको टिप्स बताई थी उसमें से करें आपने उन सब कीवर्ड्स को एक्चुअली यूज़ कहाँ करना है वो है सबसे पहले ऐप टाइटल ऐप टाइटल आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है थर्टी फोटी फिफ्टी करैक्टर्स और ये प्ले uh, स्टोर के ऊपर डिफरेंट है और आई के ऊपर डिफरेंट है आप मजदीस पर रिसर्च कर सकते हैं लेकिन जितने भी आपका करैक्टर लिमिट अवेलेबल है आपने उसके अंदर अपना टाइटल भी लिखना होता है और आपने उसके अंदर अपना जो है कीवर्ड भी कोशिश करते हैं कि आप डालें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ये वट पैड एक ऐप है और इन्होंने अपना नाम जो रखा है वो फ्री बुक्स एंड स्टोरीज़ डैश वट पैड सो इसमें ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप बेसिकली अपना डैश के बाद नाम या पहले या बाद में लिख सकते हैं तो असल में उसका नाम तो वट पैड है लेकिन चूँकि वो फ्री बुक्स और स्टोरीज़ दे रहे हैं तो उन्होंने वो पहले वो कीवर्ड में डाल दिया लोग फ्री स्टोरीज़ ढूंढेंगे या फ्री बुक्स ढूंढेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि ये इनकी कोशिश है कि उसके ऊपर रैंक कर जाएं क्योंकि तो इनके टाइटल में मुझे कीवर्ड नज़र आ गया है असल में उसका नाम तो वाट पैड है लेकिन उन्होंने पूरा नाम अपनी ऐप का नाम जो रखा है वो फ्री बुक्स एंड स्टोरीज डैश वॉडपैड है सो जब आपके पास जगह अवेलेबल है आपका नाम छोटा है और आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करें उसमें की लिखें क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी इसको सर्च करेगा तो सर्च में लोगों को मिलेगा जब फ्री बुक्स क्योंकि अब आपकी प्रोडक्ट क्या है फ्री बुक्स और स्टोरीज़ तो अगर कोई सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्ट अपनी नीड सर्च कर रहे हैं नीड और वांट की बात यहाँ दोबारा रिपीट होगी जब हम कीवर्ड वर्ड सर्च करते हैं तो नीड और वांट अंडरस्टैंड करते हैं सो ये नीड और वांट बेसिकली जो लोग सर्च करेंगे तो ये आ, उस पर रैंक करना शुरू कर देंगे तो ये ये एक एग्ज़ाम्पल है किस तरह से आप रैंक कर सकते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है डो लिंगो एक ऐप है जो आपको लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उन्होंने देखें अपना की क्या रखा हुआ है डो लिंगो उनकी ऐप का नाम है उसके बाद उन्होंने लर्न लैंग्वेज फ्री जो कि तीन की हैं बेसिकली लर्न लैंग्वेज और वो भी फ्री लैंग्वेज तो बेसिकली वो फ्री लैंग्वेज लर्निंग या लर्न लैंग्वेज टू फो फ्री इस कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऐप स्टोर में जाके ये सर्च करे या प्ले स्टोर में जाके सर्च करे कि फ्री लैंग्वेज ऐप या फ्री लैंग्वेज लर्निंग फ्री लैंग्वेज तो असल में वो उनको ये, ये उस पर रैंक करेंगे क्योंकि इनका कीवर्ड वो है और ये उन्होंने अपने टाइटल में भी लिखा है अगर आप इनकी मजीद डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका डिस्क्रिप्शन में भी बाकी जगहों पर भी कीवर्ड रिपीट हो रहे होंगे फिलहाल हम टाइटल की बात कर रहे हैं तो एक और टाइटल की एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ ट्रेलो शायद आपने देखा हो ट्रेलो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है ये ऑर्गेनाइजिंग टूल है तो उन्होंने अपना नाम ही ट्रेलो ऑर्गेनाइज एवरी तो बेसिकली ऑर्गेनाइजर को सर्च करें ऑर्गेनाइजिंग टूल सर्च करें तो ये ट्रेलो जो है उसके अगेंस्ट अपने आप को पोजिशन कर सकता है वो चाहेगा कि मैं उन उन एप्स पे रैंक करूं या उन कीवर्ड्स पे रैंक करूं जो ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन टूल से रिलेटेड हैं तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के तौर पे भी यूज़ होता है ये बाकी थॉट मतलब किसी भी तरह की आपने कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करना है टाइटल बिल्कुल ठीक कह रहा है ऑर्गेनाइज एनी थिंग सो आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या आपको लिस्ट की एक फॉर्मेट में आपको मौका देता है कि आप सारे टास्क लिखते जाएँ तो आप उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं तो ये छोटी सी मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल्स दी थी आप यहाँ तक कि गूगल की अपनी ऐप्स भी देखें तो गूगल की जो ऐप्स हैं उनमें भी वो कीवर्ड यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट तक अपनी ऐप्स में कीवर्ड यूज़ करता है ताकि जब लोग सर्च करें तो वो ऊपर रैंक करें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप उन कीवर्ड्स को अपनी ऐप्स के टाइटल में लिखें या अपने डिस्क्रिप्शन में लिखें जो आपके एग्जैक्ट नीड uh, है लोगों की जो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं वो नीड आप एग्जैक्टली exactly लिख सकते हैं तो अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट की ऐप है या कोई और ऐप है अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसमें कीवर्ड डाल सकते हैं इसमें कोई हर्च नहीं है अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो उनको देखें कि वो उनके क्या लोग सर्च करेंगे उसको एक ब्यूटीफुल सा अच्छा सा एक डिसेंट सा नाम बनाएं उन कीवर्ड्स के अंदर से और कोशिश करें कि एक टैग लैन बन जाए जो कि आप अपनी ऐप के नाम के साथ लिख सकें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है लेकिन ऐप टाइटल सबसे इम्पॉटेंट पार्ट है ए के अंदर